हेलो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के गेट एग्जाम में सेट थ्री में दो मार्क्स का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नोट की हुई है बट फिर भी एक बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं देन विल बी सॉल्विंग इट द मेमोरी एक्सेस टाइम इज वन नैनो सेकेंड फॉर अ रीड ऑपरेशन विद अ हिट एन कैश फाइव नैनो सेकेंड्स फॉर अ रीड ऑपरेशन विद अ मिस एंड कैश टू नैनो सेकंडस फॉर अ राइट ऑपरेशन विद अट इन कैश and 10 nanoseconds for a write operation with the miss in cache execution of a sequence of instructions involve 100 instruction fetch operations 60 memory operand read operations and 40 memory operand write operations the cache hit ratio is 0 0.9 the average memory access time in nanoseconds in executing the sequence of instructions इज़ ओके। okay. तो आपको कहा गया है कि रीड करते वक्त अगर कैश हिट हुई तो एक नैनो सेकंड लग रहा है इन टोटल, और अगर कैश में सुई तो पांच नैनोसेकेंड लग रहे हैं इन टोटल यहां पे एवरेज टाइम निकालते वक्त आपको साइमल्टेनियस एक्सेस का फॉर्मूला यूज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको हिट के केस में टोटल टाइम कितना है वो बताया है और मिस के केस में टोटल टाइम कितना है वो बताया है यानी कि ऐसा नहीं कहा कि मेमोरी एक्सेस राधर मेन मेमोरी एक्सेस के लिए इतना टाइम लग रहा है कैश एक्सेस के लिए इतना टाइम लग रहा है यानी कि आपको अलग अलग टाइम्स नहीं गिवन मिस के केस में जो टोटल टाइम लग रहा है वो सीधा ही बता दिया तो आप ये वैल्यूज साइमल्टेनियस एक्सेस के फॉर्मूला में यूज करोगे बिकॉज यहां पर टोटल टाइम गिवन है और मोर ओवर हमें नहीं पता कि यहां पर हार्डवेयर किस हिसाब से डिजाइन हुआ है हार्डवेयर हो सकता है हायरार्किकल एक्सेस कर रहा हो बट क्योंकि यहां पर टाइम टोटल गिवन है तो यहां पर फॉर्मूला साइमल्टेनियस का यूज होगा ओके नेक्स्ट थिंग इज ये डेटा आपको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू अ रीड और उन्होंने कहा है कि हम ऐसा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम बताओ एक मेमोरी एक्सेस के लिए ओके okay. तो सबसे पहले एवरेज रीड एक्सेस टाइम निकालते हैं कितना होगा देखो आपको कैश की हिट रेशियो गिवन है 90 परसेंट यानी कि पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द टाइम्स रीड के लिए एक नैनो सेकंड लग रहे है क्योंकि हिट में आपको गिवन है कि वन नैनो सेकंड इज यूज और जो बच गए टेन परसेंट ऑफ द टाइम यानी कि पॉइंट होगा बिकॉज कैश मिस में पांच नैनो लग रहे हैं ओके सो नाइन ये होगा पॉइंट नाइन प्लस ये होगा जीरो पॉइंट फाइव विच इज वन पॉइंट फोर ओके okay. अब निकालते हैं राइट के केस में यानी कि एवरेज राइट एक्सेस टाइम कितना होगा वो भी होगा हिट रेट वहां भी होगा 90 परसेंट यानी कि 0.9 नाइन इंटू टू नैनो सेकंड देखो यहां पे हिट के केस में दो नैनो सेकेंड्स चाहिए प्लस मिस के केस में दस नैनो सेकेंड्स चाहिए ओके okay. सो नाइन टू जर एटीन एंड टेन वन आर टेन सो दिस इज वन पॉइंट एट प्लस वन विच कम्स टू बी टू पॉइंट एट नैनो सेकेंड्स अब हमें निकालना है एवरेज मेमरी एक्सेस टाइम यानि कि ऑन एवरेज एक मेमरी एक्सेस कितना टाइम ले रहा है ऐसे प्रोग्राम में जहाँ पे 160 मेमोरी एक्सेसेस हैं रीड के लिए और 40 मेमोरी एक्सेसेस हैं राइट के लिए तो हम यहां से आगे दो मेथड्स फॉलो कर सकते हैं मैं दोनों मेथड्स आपको दिखाऊंगा फर्स्ट लेट्स गो विद द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एक्सेस बीइंग अ रीड एक्सेस यानी कि ये ढूंढो कि अगर एक एक्सेस रीड का है ऑन रैंडम हम एक एक्सेस सिलेक्ट कर रहे हैं इन 200 सौ एक्सेस में से तो वो रीड एक्सेस होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है देखो इंस्ट्रक्शन फैच भी मेमोरी रीड ही है और ऑपरेंड रीड ऑब्वियसली मेमोरी रीड ही होगा यानी कि टोटल 160 मेमोरी साठ एक्सेस रीड परफॉर्म करने के लिए हो रहे हैं आउट ऑफ 200 यानी कि प्रोबेबिलिटी

ऑपरेंट राइट के लिए यानी कि मेमोरी में राइट करने के लिए यह आ जाएगा फोर बाय ट्वेंटी ओके अब देखो कोई भी एक एक्सेस राइट एक्सेस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है सिक्सटीन बाय ट्वेंटी यानी कि अगर हम ऑन एवरेज देखें तो सिक्सटीन बाई ट्वेंटी प्रॉबेबिलिटी के साथ एक एक्सेस राइट एक्सेस होगा सॉरी रीड एक्सेस होगा और रीड के केस में हमें 1.4 पॉइंट सेकेंड चाहिए ठीक है और बचे हुए फोर आउट ऑफ 20 16 आउट ऑफ 20 टाइम्स तो वो रीड एक्सेस था फोर आउट ऑफ 20 टाइम्स वो राइट एक्सेस हो सकता है यानी कि फोर बाइ टी इन राइट का टाइम है 2.8 पॉइंट अब इसे अगर आप कैलकुलेट करो ये होगा फोर अपॉन फाइव इंटू वन पॉइंट फोर यानी कि फोर इंटू वन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय फाइव ये आएगा वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन टू और वो है फोर अपॉइंट ट्वेंटी यानी कि वन बाय फाइव एंड 28 एट डिवाइडेड बाई फाइव इज पॉइंट ये रहा आपका आंसर तो इन्हें ऐड करो 1 प्लस जीरो इज वन पॉइंट सिक्स एट वन पॉइंट सिक्स एट नैनो सेकेंड लगेंगे ऑन एवरेज एक मेमोरी एक्सेस के लिए देखो कोई भी अगर आप मेमोरी एक्सेस उठाओ ऑन रैंडम इतने चांसेस हैं कि वो एक रीड एक्सेस होगा तो रीड के केस में 1.4 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं और इतने चांसेस हैं कि वो राइट एक्सेस होगा राइट right के केस में इतने ता, इतना टाइम लग रहा है जस्ट दैट देम अब फॉलो करते हैं सेकंड मेथड सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि इस प्रोग्राम के जितने भी रीड्स हैं यानी कि 160 सिक्सटी रीड्स हैं उन्हें रीड टाइम से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 1.4 से तो आपको मिल जाएगा ये प्रोग्राम रीड करने के लिए टोटल कितना टाइम ले रहा है सो दिस विल बी 160 सिक्सटी इंटू वन ओके यानी कि नंबर ऑफ रीड एक्सेस इंटू टाइम टेकन बाय वन रीड एक्सेस ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लो कि ये प्रोग्राम राइट करने के लिए टोटल कितना टाइम ले रहा है अब राइट एक्सेस हैं 40 और एक राइट एक्सेस के लिए 2.8 पॉइंट एट लग रहे हैं यानी कि टोटल इतना टाइम लगेगा राइट करने के लिए ओके okay. मतलब कि यह प्रोग्राम इतना टाइम ले रहा है रीडिंग के लिए इतना टाइम ले रहा है राइटिंग के लिए फॉर मेमोरी एक्सेस ओके मतलब राइट मेमोरी एक्सेस के लिए सॉरी ये रीड मेमोरी एक्सेस के लिए है ये राइट मेमोरी एक्सेस के लिए है और यहां पे हम बात कर रहे हैं टोटल 200 सौ मेमरी एक्सेस की ओके okay. अब हमें निकालना है ऑन एवरेज एक मेमरी एक्सेस कितना टाइम ले रहा है 200 सौ मेमरी एक्सेस टोटल इतना टाइम ले रहे हैं एक मेमरी एक्सेस का टाइम निकालने के लिए इस नंबर को डिवाइड कर दो बाय 200 हंड्रेड okay. ओके अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे बिल्कुल सेम टू सेम चीज है 160 बाय 200 इनटू 1.4, 160 बाय 200 इनटू 1.4 प्लस 440 बाय 200 इनटू 2.8 यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा 40 इनटू 200, 40 बाय 200 इनटू 2.8 ओके फर्क कुछ नहीं है हमें निकालना है ऑन एवरेज एक मेमोरी एक्सेस को कितना टाइम लगेगा दोनों मेथड्स वैलिड हैं ओके